हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एडी ऑनलाइन क्लासेस। मैं अहमद जमाल मैकेनिकल डिपार्टमेंट से स्वागत करता हूं आप सबका। बेटा, जैसे कि आपको पता है 2020 में हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमने ये भी देखा कि किस तरह से हमारी पढ़ाई इफेक्ट हुई इस पूरे सिनारियों में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, स्पेशली फॉर मैकेनिकल इंजीनियर। जो आपका पूरा सर्कमस्टांसेस बने थे वो बहुत मुश्किल थे, बहुत कम वैकेंसीज आई, बहुत कम एग्ज़ाम हुए। बट अब धीरे धीरे क्योंकि ज़िंदगी पटरी पे लौट रही है, तो इसी क्रम में बेटा ईएडी ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए एक बार फिर से मैकेनिकल कोर्सेज शुरू करा रही है। और मेरा वादा है इस साल आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन देकर हम आपका सिलेबस पूरा कराएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हर कंसेप्ट हर क्वेश्चन से हम रूबरू करा दें। आपको बेटा क्या करना है हमारे लिए कि आपको बस हमारे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने फेसबुक के ग्रुप पे कीजिए, व्हाट्सएप के ग्रुप पे कीजिए। साथ साथ बेटा बहुत ही जल्दी कुछ बच्चों की डिमांड रहती है कि लाइव क्लास शुरू कीजिए, लेकिन बेटा मैं कहूँगा कि लाइव क्लास अभी नहीं। अभी आप क्या कीजिए कि जो यहाँ से रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए डलेंगे उन क्लासेस को आप देखिए ध्यान से। कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है बेटा, बहुत ही मेहनत से इस बार तैयारी करनी है, क्योंकि इस बार बहुत सारी रुकी हुई वैकेंसीज भी ओपन होने वाली है, जिसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है, जैसे डीआरडीओ है, इसरो है, और इसके अलावा बेटा रेलवे में भी वैकेंसीज आपके और आने वाली है। ठीक है, तो बेटा टेक्निकल पोर्शन के लिए ईएडी ऑनलाइन क्लासेज आपके साथ हैं हमेशा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाएं, ध्यान से पढ़ाएं और फिर उनके क्वेश्चंस भी लगवाएं। ठीक है, लेकिन याद रखना बेटा, इस बार पूरे साल मैं आपसे वादा करता हूं, रमन सर आपसे वादा कर रहे हैं कि बिल्कुल फ्री एजुकेशन आपको दी जाएगी फॉर द मैकेनिकल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए बेटा आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे। नया साल है तो एक नए सिरे से तैयारी करेंगे ताकि हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो, बिल्कुल हर चीज को हम ध्यान से पढ़ते हुए चले। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है बेटा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ओके। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं बेटा कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होती क्या है, इसमें क्या होता है। बेटा इसके दो हिस्से होते हैं। इसका जो सिनारियो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का वो क्या है कि इसमें कच्चे माल को यानी कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है एक यूजफुल प्रोडक्ट में। ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल, मैं यहां लिख देता हूं, रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। ठीक है, जो कच्चा माल होगा उसे हम एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, पहला स्टेप होता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का ये। दूसरा स्टेप क्या होता है, एंड देन इट इज सेंड टू कस्टमर। ठीक है, टू कस्टमर, फिर इसे कस्टमर के तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, टू कस्टमर। तो यहां पर आप देख रहे हैं दो पार्ट हैं बेसिकली प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के। पहला है कि रॉ मटेरियल जो है उसे कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, एक यूजफुल प्रोडक्ट में। ठीक है, कच्चे माल की कोई कीमत नहीं होती बेटा, हमेशा जो आपका कन्वर्टेड या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होता है उसी की कीमत होती है। फिर इसे सेंड किया जाता है कहां तक, कस्टमर। ठीक है, तो दो पार्ट है, तो इन्हीं दो पार्ट के बेसिस पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के दो बेसिकली दो हिस्से हैं। ठीक है, पहला हिस्सा क्या है बेटा, पहला हिस्सा कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ठीक है, ये पहला पार्ट है इसका। दूसरा पार्ट क्या है बेटा, इसका दूसरा हिस्सा क्या होता है, वो होता है बेटा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट ये दो हिस्से होते हैं बेसिकली जिनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होते हैं बेटा, ये एक्चुअली बताते हैं आपको कि किसी प्रोडक्ट को कैसे तैयार करना है, हाउ टू मेक अ प्रोडक्ट फ्रॉम द रॉ मटेरियल। तो बेसिकली यहां पे जो काम होता है वो ये है, हाउ टू मेक, कैसे किसी चीज को बनाए।
ठीक है, हाउ टू मेक, कैसे किसी चीज को हम बनाएंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का क्या काम है बेटा? इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का काम सबसे पहली बात क्या है बेटा, मैं आपको बता देता हूं, प्रोडक्ट बनने के बाद मार्केट में कस्टमर के हाथ तक कैसे पहुंचेगा। तो यानी कि इसमें कई चीजें शामिल है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। पहला है बेटा इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करो जो आपने बनाया है क्या वो सही बना है, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस चेक कीजिए उसका। ठीक है, उसके बाद बेटा मेंटेनेंस भी है, कोई अगर मेंटेनेंस की जरूरत है तो आप यहां पर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इस चीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा मेंटेनेंस, वो इंस्पेक्शन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, उसके बाद बेटा सेलिंग परचेजिंग, ये भी सब इसमें ही आता है, सेलिंग परचेजिंग, ठीक है, ये भी इसी में आता है सेलिंग परचेजिंग। ठीक है, उसके बाद बेटा और बहुत सारी चीजें हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, एटसेट्रा, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो यहां पर देखने को मिलती है। तो बेसिकली यहां पर होता है हाउ टू मेक और यहां पे होता है हाउ टू इंस्पेक्ट, हाउ टू मेंटेन, हाउ टू सेल परचेज, हाउ टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, हाउ टू सेल, ये सारी चीजें होती है बेटा। ठीक है, अब ये दो हिस्से हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के, इन दोनों से मिलकर ये एक टर्म बनाई जाती है। तो अभी जो हमारा फोकस है बेसिकली वो हमारा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर। ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से एक अलग सब्जेक्ट की फॉर्म में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, किस तरीके से होता है, क्या होता है। ठीक है, तो ये पूरी डेफिनेशन थी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए ये बेटा आपका रॉ मटेरियल है, ये क्या है बेटा आपका रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। ठीक है, अब बेटा कुछ चीजें यही नोट करते चलना, इसे इंडस्ट्री में हम ब्लैंक भी कहते हैं, ब्लैंक, ठीक है, इसे इंडस्ट्री में लंप भी कहते हैं, तीनों में से कोई भी नाम आपको मिल सकता है जब आप इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, रॉ मटेरियल, ब्लैंक, लंप, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसे बेटा कन्वर्ट करके, अब देखिए बेटा अगर मैं आपसे कहूं इस रॉ मटेरियल, ये जो कच्चा माल है, इसकी कीमत क्या है, देखिए इसकी कीमत भी बहुत कम होगी और इसके यूज भी बहुत कम होंगे, यानी कि इसे आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस रॉ मटेरियल को हम एक यूजफुल प्रोडक्ट में बनाना होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आपने एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाया, एक बोल्ट, या आपने एक बोल्ट बनाया बेटा, ठीक है, ये दिस इज द बोल्ट, तो आपने रॉ मटेरियल से एक बोल्ट बनाया है। ठीक है, अब ये बोल्ट जो है ये यूजफुल है। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल से बोल्ट जो बना ये बेटा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा बनेगा। How we will make it with the help of manufacturing processes. वो इसे भी हो सकते हैं, we don't know. But till now हम इतना जानते हैं कि raw material को किसी useful product में, यानी कि ये आपका एक useful product है, useful product है, ठीक है, product है, useful product है, तो इसे useful product में convert करने के लिए हमने raw material पे कुछ manufacturing process किए और उसके बाद हमें ये component, हमें एक useful product तैयार हो गया। तो एक्चुअली हमने क्या करा बेटा, यहां पर इसकी अगर मैं बात करूं वैल्यू की, वैल्यू ये लगभग लगभग जीरो के बराबर, यानी कि देयर इज नो वैल्यू फॉर द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तो एक था का बेटा मास है, वेट है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर इसकी जो है, इसकी यहां पर वैल्यू बन गई है। ठीक है, तो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर जस्ट एडिंग द वैल्यू इनटू द रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की मदद से हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वी आर एडिंग वैल्यू, सो दीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर नोन एज वैल्यू एडिशन प्रोसेसेस। ठीक है, वैल्यू एडिशन प्रोसेसेस, तो वैल्यू एड, जब रॉ मटेरियल में आप वैल्यू एड करेंगे तभी वो प्रोडक्ट आपका यूजफुल होगा। अदरवाइज ये रॉ मटेरियल अगर ये लंप है तो इसे तो आप एक तरह से वेट की तरह, मास की तरह यूज कर सकते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर इसके बोल्ट के आपको पता है हजारों एप्लीकेशन होंगे,
बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होंगे, ठीक है। तो यहां पर इसकी वैल्यू जीरो के बराबर है, नो वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यूड हो गया, काफी अच्छी इसकी वैल्यू हो गई। अब अगर ये मान लीजिए पूरा 100 रुपए किलो था तो बेटा 1000 रुपए केजी में आपको बोल्ट मिलेंगे, ठीक है, जो भी आप यूनिट मेजर की लेंगे, करेक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बेटा ये बेसिकल सबसे छोटी एक इंट्रोडक्शन है, मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है हाउ टू मेक अ रॉ मटेरियल विद नो वैल्यू ए टू ए प्रोडक्ट विद हायर वैल्यू, करेक्ट, ठीक है। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन क्लासिफाई ऑल दिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो हम यहां पर अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन को समझने के लिए बेटा देखिए क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस कैटेगरी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा टाइप वन क्लासिफिकेशन की, टाइप वन क्लासिफिकेशन, ठीक है। टाइप वन क्लासिफिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले टाइप का जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है दैट इज फॉर्मिंग, फॉर्मिंग, ठीक है। इसे फॉर्मिंग भी कह सकते हैं बेटा, इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं और शेपिंग, शेपिंग प्रोसेस, ठीक है। फॉर्मिंग प्रोसेस भी कहते हैं इन्हें, शेपिंग प्रोसेस भी कहते हैं। अब ये फॉर्मिंग और शेपिंग प्रोसेस क्या होता है बेटा, ठीक है, देखिए विद द हेल्प ऑफ डिफॉर्मेशन वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। यहां पर जो की चीज है, यहां पर हम जो मदद लेंगे, ठीक है, वो मदद लेंगे बेटा बल्क डिफॉर्मेशन की। किसकी मदद लेंगे बेटा, बल्क डिफॉर्मेशन, ठीक है, बल्क डिफॉर्मेशन। अब सवाल उठता है कि किसी मटेरियल में डिफॉर्मेशन कब प्रोड्यूस होती है, तो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होने का जो रीजन है बेटा वो याद रखना, वो दो हो सकते हैं, या तो फोर्स, फोर्स की मदद से, या हीट की मदद से, और बोथ, दोनों की मदद, ठीक है। व्हेन वी प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन, व्हेन वी चेंज द शेप ऑफ द रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ फोर्स और हीट और बोथ, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज बल्क डिफॉर्मेशन। बल्क का क्या मतलब है बेटा, बल्क का मतलब है एक क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि वो डिफॉर्मेशन विच कैन बी मेजर्ड। इस बल्क डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है बेटा, मेजरेबल, मेजरेबल डिफॉर्मेशन, याद रखना बेटा, बल्क का कहीं मीनिंग नहीं मिलेगा आपको, यही मिलेगा, ठीक है। जब डिफॉर्मेशन एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में हो रही हो, यानी कि इतनी हो रही हो कि आप उसे मेजर कर सकें, तो उसे कहते हैं मेजरेबल डिफॉर्मेशन, और देन इट इज नोन एज बल्क डिफॉर्मेशन, तब हम इसे क्या कहते हैं, बल्क डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो पहला ये होता है बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई रॉड है, कोई भी एक रॉड है, उसे बेंड करके आपको यू बनाना है, यू, तो आप क्या करेंगे बेटा, उसे थोड़ा सा हीट करके फिर फोर्स लगाएंगे जिससे कि वो यू, एक सीधी रॉड एक यू में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बेटा इसे, इस तरह के जितने भी प्रोसेस है उन्हें कहते हैं फॉर्मिंग, शेपिंग। अब इसके कई एग्जाम्पल हैं, ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है बेटा, इसके कई प्रोसेस इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे फॉर्मिंग, फॉर्मिंग प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे एक्सट्रूजन, नाम सुना होगा आपने एक्सट्रूजन, इसी के साथ साथ रोलिंग, रोलिंग इसी टाइप से बेटा, फॉर्जिंग, फॉर्जिंग, ठीक है, इसी टाइप से बेटा आपका एक्सट्रूजन, रोलिंग, फॉर्जिंग, और भी बहुत से होते हैं, जैसे ड्राइंग, वायर ड्राइंग प्रोसेस होता है, वायर ड्राइंग, ठीक है, वायर ड्राइंग। या मैं अगर कहूं कि ड्राइंग जो होती है, ड्राइंग प्रोसेस, वो तीन तरह के होते हैं बेटा, एक तो वायर ड्राइंग, एक होता है बेटा डीप ड्राइंग, और एक क्या होता है बेटा आपका, वायर हो गया, डीप हो गया, और एक होता है बेटा ट्यूब ड्राइंग, क्या होता है, ट्यूब ड्राइंग। तो तीन तरह के ड्राइंग प्रोसेस होते हैं जिससे हम वायर भी बना सकते हैं, डीप ड्राइंग से हम बेटा कप बनाते हैं, मेटल के कप, और बेटा ट्यूब ड्राइंग से हम ट्यूब बनाते हैं, ट्यूब ड्राइंग इज ऑल्सो नोन एज ट्यूब सिंकिंग, इसे बेटा सिंकिंग ऑपरेशन भी कहते हैं, सिंकिंग ऑफ ट्यूब या ट्यूब सिंकिंग कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, सिंकिंग ऑफ ट्यूब ये भी कहते हैं। तो ये आपका प्रोसेस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बेटा बेंडिंग, बेंडिंग प्रोसेस को अलग से भी हम करते हैं बेटा, बेंडिंग, ठीक है। और इसी तरीके से बेटा शीट मेटल प्रोसेस भी आपका कभी कभार
फॉर्मिंग होते हैं, शीट मेटल प्रोसेस एटसेट्रा, बहुत सारे प्रोसेस है बेटा जो फॉर्मिंग प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ फर्स्ट काइंड। आइए अब बात करते हैं दूसरे काइंड की। ओके, द सेकंड काइंड जो दूसरा टाइप है बेटा उसे कहते हैं मेटल रिमूवल, मेटल रिमूवल प्रोसेस, मेटल रिमूवल प्रोसेस ये होता है बेटा, ठीक है। अब मेटल रिमूवल प्रोसेस जो होते हैं बेटा बेसिकली ये किस काम में आते हैं, टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड प्रिसाइज शेप, ठीक है, टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड प्रिसाइज शेप, करेक्ट। तो मेटल रिमूवल प्रोसेस जो होता है किसी कंपोनेंट को, जो कंपोनेंट मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर मान लीजिए फॉर्मिंग से प्रोड्यूस करा, किसी फॉर्मिंग प्रोसेस से, अब आपको उसकी डायमेंशन एक्यूरेट करनी है, तो बेटा मेटल रिमूवल प्रोसेस को यूज करते हैं, मेटल रिमूवल प्रोसेस को यूज करते हैं, ठीक है। अब मेटल रिमूवल प्रोसेस जो होता है बेटा बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला जो मेटल रिमूवल प्रोसेस जो होता है उसे कहते हैं बल्क रिमूवल प्रोसेस, ठीक है, बल्क रिमूवल प्रोसेस, यानी कि जब मेटल आपका एक मेजरेबल अमाउंट में, एक जो गणना करने योग्य अमाउंट है उसके तौर पर उतर रहा हो, यानी कि बहुत सारा मटेरियल उतर रहा हो, तो उसे बल्क रिमूवल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो बल्क रिमूवल प्रोसेस होता है बेटा इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि टर्निंग ऑपरेशन होता है लेथ पर, टर्निंग, फेसिंग, स्लॉटिंग, ठीक है, ड्रिलिंग, मिलिंग एटसेट्रा, और बहुत सारे ऑपरेशन है बेटा जिन्हें हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके बल्क रिमूवल प्रोसेस, इसमें जो क्वांटिटी मेटल की रिमूव होगी वो अमाउंट मेजरेबल होगा, उसे आप माप सकते हैं, इतना अमाउंट होगा ये, ठीक है। दूसरा होता है बेटा, जो दूसरा काइंड होता है वो देखिए, वो कहलाता है बेटा अब्रेसिव रिमूवल प्रोसेस या माइक्रो रिमूवल प्रोसेस, ठीक है। इसके दो नाम होते हैं, या तो माइक्रो या एब्रेसिव, ठीक है, माइक्रो या अब्रेसिव, ठीक है, रिमूवल प्रोसेस, ठीक है। यानी कि यहां पे जो मटेरियल आपका रिमूव होगा, यहां पे जो मटेरियल रिमूव होगा दैट विल बी वेरी लेस रिमूवल, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से नोट्स बनाइए बेटा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहा उतना ही लिखो, तो वेरी लेस रिमूवल होगा ऑफ मटेरियल, ठीक है। इसलिए बेटा क्या होता है इन्हें, ये अब बेटा ये माइक्रो या एब्रेसिव रिमूवल प्रोसेस किस काम में यूज होते हैं, इट इज यूज टू प्रोवाइड सरफेस फिनिश अच्छी करने के लिए बेटा ये सारे आपके यूज होते हैं, सरफेस फिनिश अच्छी करने के लिए सारे प्रोसेस यूज होते हैं। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल जो है बेटा आपने सुना ही होगा, इसके कई एग्जांपल है वैसे तो, लेकिन इसका जो एग्जांपल है मेनली वो बेटा ग्राइंडिंग है। क्या है बेटा? ग्राइंडिंग, या इसी तरीके से बेटा आपका बफिंग, ठीक है, रीमिंग, एटसेट्रा, बहुत सारे ऑपरेशन है, तो वो हम बेटा जब पढ़ेंगे, जब हम आपका मेटल रिमूवल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी दूसरी कैटेगरी। ओके, चलिए अब बात करते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी पे। थर्ड कैटेगरी को हम कहते हैं बेटा ज्वाइनिंग प्रोसेस, ठीक है। अब ये ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है बेटा, इसे समझ लीजिए, ठीक है। क्या होता है बेटा, जब कभी कभार आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप क्या करते हैं, सारे कंपोनेंट उसी साइज के नहीं बनाते, आप क्या करते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट को बनाते हैं, फिर उन्हें जोड़कर आप बेटा
उसके बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस करके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ब्रिज बनाना है, अब ब्रिज को एक सिंगल यूनिट की फॉर्म में बनाना सही नहीं है और इवन पॉसिबल भी नहीं, तो क्या करते हैं ब्रिज के कई पार्ट अलग अलग बनाते हैं, फिर उन्हें ज्वाइन करते हैं और उसके बाद एक ब्रिज बनता है। इसी तरह से रूफ ट्रस, जो ट्रसेज होते हैं छतों पे, जिनके ऊपर आप टीन शेड या सीमेंट शेड, जो सीमेंट की शीट होती है वो बिछाते हैं, ठीक है। तो बेटा उन सब में ज्वाइनिंग प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है बेसिकली ये आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में यूज होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ये समझ लीजिए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है बेटा आपका, वो बेसिकली ये मान के चलिए कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए ये यूज होता है और इसमें छोटी छोटी चीजें यूज होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस है वेल्डिंग, ये आपने सुना ही होगा, वेल्डिंग, ठीक है, वेल्डिंग, ओके। उसके बाद बेटा आपने ये भी सुना होगा बेटा एक तरह से कि यहां पर आपने वेल्डिंग सुना होगा, आपने रिविटिंग भी सुना होगा, रिविटिंग, ठीक है, रिविटिंग भी आपने सुना होगा, और इसके अलावा बेटा आपने सुना होगा बोल्ट, बोल्टिंग या बोल्टेड स्ट्रक्चर, ये सारे किसके हैं बेटा आपका, ये सारे एटसेट्रा कह देता हूं मैं, ये सब बेटा आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस, ठीक है, ये सारे आपके ज्वाइनिंग प्रोसेस में। इसके अलावा बेटा आपने सुना होगा अलाइड प्रोसेस, ठीक है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है, अलाइड प्रोसेस, ठीक है, अलाइड प्रोसेस वो भी इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। अलाइड प्रोसेस क्या होता है बेटा, जैसे कि आपका सोल्डरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बड़ा यूज है इसका, और ब्रेजिंग, ठीक है, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ये सब इसमें आता है। इसके अलावा एक कैटेगरी और सुनी होगी आपने बेटा, तीसरी, जिसे हम कहते हैं एडहेसिव बॉन्डिंग, एडहेसिव बॉन्डिंग, एडहेसिव बॉन्डिंग। अब एडहेसिव बॉन्डिंग में क्या होता है बेटा, विद द हेल्प ऑफ ग्लू, फेविकोल, गम, जो भी चीज है चिपकाने वाली, वो सब बेटा एडहेसिव बॉन्डिंग में आती है। तो ये सारी वेल्डिंग प्रोसेस है, ये सारी आपकी वेल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की, नेक्स्ट है बेटा आपका रीजेनरेशन प्रोसेस या रीजेनरेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है बेटा कि बिल्कुल एक तरह से मेटल, जो रॉ मटेरियल होता है, उसको बिल्कुल कंप्लीटली चेंज करके तब एक नए कंपोनेंट में ढाला जाता है, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है रीजनरेशन के मेथड में, कि याद रखना सबसे पहली बात तो इसमें सॉलिड कंपोनेंट ही बनाए जाएंगे, सॉलिड कंपोनेंट, ठीक है, सॉलिड कंपोनेंट बनाए जाएंगे सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो कंपोनेंट बनाए जाते हैं सॉलिड के, इन्हें आप लेयर बाय लेयर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बेटा, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, ठीक है, लेयर बाय लेयर बनाते हैं, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं बेटा, रीजनरेशन प्रोसेस में याद रखना रॉ मटेरियल जिस शेप में होगा उस शेप को पहले बदला जाएगा, ठीक है, उसे कंप्लीटली मेल्ट करके पाउडर की फॉर्म में, ठीक है, उसके बाद एक नया आपका कंपोनेंट तैयार होगा। तो इसके जो एग्जांपल है बेटा, वो एक तरह से एग्जांपल जो है इसके, वो एक तो है बेटा कास्टिंग, एक है बेटा पाउडर मेटलर्जी, पाउडर मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक होता है रैपिड प्रोटोटाइपिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग होता है बेटा एक, एक होता है बेटा स्टीरियोलिथोग्राफी, स्टीरियो लिथोग्राफी। जानने को तो बहुत कुछ है लेकिन मैं आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं, सिर्फ उतना ही बताऊंगा कि यूजफुल है, ठीक है, स्टीरियो लिथोग्राफी, ठीक है, एटसेट्रा। तो इसमें क्या होता है बेटा, इन सब में रॉ मटेरियल को ही पहले कंप्लीटली कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे लिक्विड बना लिया, इसके केस में पाउडर बना लिया, ठीक है, इसके केस में लेयर्स बना ली, इसके केस में बेटा स्टीरियो लिथोग्राफी के केस में भी लिक्विड बना लिया। अब याद रखने से सॉलिड कंपोनेंट बनते हैं, होलो भी बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट सॉलिड बनते हैं ज्यादातर, लेयर बाय लेयर बनाते हैं, ठीक है, लेयर बाय लेयर बनाते हैं। जैसे कास्टिंग के केस में क्या होता है,
लिक्विड मेटल जो होती है वो लेयर बाय लेयर चढ़ती चली जाती है, उसके बाद वो सॉलिडिफाई होती है। इसी तरह से पाउडर मेटलर्जी में भी कॉम्पैक्शन जब करते हैं तो लेयर बाय लेयर करते हैं। पाउडर मेटलर्जी में हम किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है बेटा ये सब आती है रीजनरेशन प्रोसेस में, ठीक है, रीजनरेशन प्रोसेस में, ठीक है। तो ये तो था बेटा टाइप वन का क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं टाइप टू के क्लासिफिकेशन की। आप कहेंगे कि मैं इतने क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ा रहा हूं, तो रीजन ये है बेटा ताकि आपको कैटेगरी समझ में आ जाए कौन सा किस में आता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप टू की। ओके ओके, तो अकॉर्डिंग टू टाइप टू क्लासिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर ऑफ टू टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो होते हैं बेटा जो रॉ मटेरियल को एक प्राइमरी शेप देते हैं। मतलब रॉ मटेरियल जो होता है कि आपने जमीन से अयस्क निकाला और निकाला और सीधा उसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डाल दिया, ऐसा नहीं है। पहले उसे क्या होता है बेटा, थोड़ा सा आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, उसकी मेटलर्जी करनी पड़ती है, स्मेल्टिंग प्रोसेस करने पड़ते हैं डिफरेंट टाइप के, उसमें से मटेरियल को निकालना होता है, फिर उनकी शेप बनती है पर्टिकुलर, ठीक है। वो जो शेप होती है बेटा वो जाती है फैक्ट्री। तो वो जो शेप जा रही है, ठीक है, यानी कि जैसे कि आपने किसी जमीन में से कोई और निकाला, अयस्क निकाला और उसे बेटा मेल्ट करके आपने लंबे लंबे रॉड बना दिए बड़े बड़े, ठीक है। तो उन्हें हम ब्लूम इनगोट्स या फिर क्या कहते हैं बेटा, रॉ मटेरियल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग बनाने का, ये जो आपका किसी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, एक्चुअली बेसिकली इट इज यूज्ड टू मेक, इट इज यूज्ड टू मेक रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी, फॉर सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रोसेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीधा जमीन से एल्युमिनियम का ओर निकाला और डाल दिया सीधा मशीनिंग पे, आपने उसे लेथ पे लगा दिया, ऐसा नहीं है ना। लेथ पे अगर मान लीजिए आपको कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपके पास एक रॉड जैसा कोई कंपोनेंट होना चाहिए या नहीं, तो बेसिकली वो प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द्वारा बनता है, ठीक है। और ये जो आपके रॉ मटेरियल होते हैं प्राइमरी के केस में, ये किस फॉर्म में होते हैं बेटा, इनगोट्स, आपने नाम सुना होगा इनगोट्स, बिलेट्स, बिलेट्स, ब्लूम, ब्लूम एटसेट्रा, ये इस टाइप के होते हैं, इनगोट्स, बिलेट्स, ब्लूम एटसेट्रा। अब ये जो इनगोट, अब ये जो होते हैं बेटा इनकी शेप होती है किसी, कोई रेक्टेंगुलर शेप का होगा इस टाइप से, ऐसे लंबे लंबे आपके वो होंगे। कोई बेटा मतलब आपने देखा भी होगा कभी कभार ट्रक पे सड़कों पे जाते हुए, इसी तरीके से बेटा कहीं कहीं रॉड होंगी बड़ी बड़ी इस तरीके से, ठीक है। कहीं कहीं पे बेटा ये स्क्वायर शेप का होगा बेटा इस तरीके से ये, ठीक है। तो ये सब होते हैं इनगोट्स, बिलेट, ब्लूम एटसेट्रा, अलग अलग शेप के। तो ये जो शेप है ये फैक्ट्री को पहुंचाई जाती है। अब फैक्ट्री के लिए कच्चा माल ये है, तो प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से फैक्ट्री के लिए, या कहूं फैक्ट्री में जाके होगा सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फैक्ट्री के लिए आपके ये सब बनाए जाती हैं शेप। तो बेसिकली जो प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम रॉ मटेरियल ही तैयार करते हैं फ्रॉम ओर्स, अयस्क, अयस्क द्वारा, ठीक है। तो यहां पर इसका एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बेटा कास्टिंग। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया ये जो आपने बनाए हैं शेप, ये जो शेप बनाई है आपने, ये किसकी मदद से बनाई, तो आप कहेंगे कास्टिंग। क्या होता है बेटा, ओर को जमीन से निकाला जाता है, उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद उसे मेल्ट करके इन शेप में ढाला जाता है। तो दो मेल्टेड प्योर आयरन, प्योर एल्युमिनियम, प्योर कॉपर एटसेट्रा आर कन्वर्टेड इनटू दिस शेप विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, देन दिस प्रोसेस कास्टिंग इज नथिंग बट द प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये होता है बेटा आपका प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। और सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है बेटा, जो हमेशा प्राइमरी के बाद किए जाते हैं हमेशा। जैसे मैं आपसे कह दूं फॉर्मिंग, फॉर्मिंग प्रोसेस जो होगा सारे क्या होगा बेटा, जैसे आपको एक रॉड से यू बनाना था ना, कि आपके पास एक रॉड हो ऐसी और उस रॉड से आप बेटा एक यू बना दें, ऐसा ऐसे एक यू बना दें, तो बेटा ये रॉड आई कहां से, ये रॉड आई आपकी प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसी तरीके से बेटा आपका जितने भी मेटल रिमूवल प्रोसेस है वो सारे आपके क्या है, वो आपके सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। वेल्डिंग आपका सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वेल्डिंग, पाउडर मेटलर्जी आपका सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है,
ठीक है, तो पहले इनके लिए कच्चा माल बनाना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो एक कैटेगरी, एक टाइप यह है बेटा क्लासिफिकेशन का जो आपको याद रखना है। याद रखना है सेकेंडरी हमेशा प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाद ही होंगे, ये हमेशा बाद में होते हैं इनके, पहले नंबर पे ये होते हैं प्राइमरी, उसके बाद होते हैं बेटा सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, करेक्ट। ओके, अब थर्ड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली उसमें तीन चीजें हैं। सबसे पहले प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा प्लस प्रोसेस, उसके बाद दूसरे जो प्रोसेस उसे हम कहते हैं माइनस प्रोसेस, और थर्ड टाइप जो है बेटा वो है आपका जीरो प्रोसेस। क्या है बेटा? जीरो प्रोसेस। तो ये तीसरे टाइप का जो क्लासिफिकेशन है उसमें ये तीन कैटेगरीज है, प्लस प्रोसेस, माइनस प्रोसेस एंड जीरो प्रोसेस। तो प्लस प्रोसेस वो होते हैं बेटा जिसमें आपको मटेरियल ऐड करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा बेटा, मटेरियल को ऐड करना पड़ेगा। माइनस प्रोसेस वो होंगे बेटा जिसमें मटेरियल इज रिमूव करना पड़ेगा बेटा। और जीरो प्रोसेस क्या होगा बेटा, जीरो प्रोसेस में नीदर एडेड, ना तो मटेरियल ऐड होगा नॉर और ना ही रिमूव होगा, करेक्ट, ना तो मटेरियल ऐड हुआ ना मटेरियल रिमूव हुआ। अब सवाल उठता है मटेरियल एडिंग का जो काम है वो किस प्रोसेस में होता है, तो बेटा वो कास्टिंग में होता है बेटा, समटाइम वेल्डिंग में भी होता है, ठीक है, पाउडर मेटलर्जी में भी होता है। मटेरियल रिमूवल आपको पता है बेटा जितने भी मशीनिंग के प्रोसेस है उनमें होता है, मशीनिंग प्रोसेस जो होते हैं उन सब में मटेरियल को रिमूव करने का काम किया जाता है, और जिसमें ना तो मटेरियल ऐड होता है ना ही रिमूव होता है उन्हें कहते हैं बेटा फॉर्मिंग प्रोसेस, करेक्ट। तो ये तीन तरह की कैटेगरी यहां पर हमने देखी, प्लस माइनस और बेटा सीधा आपका जीरो, ठीक है। हाँ, तो यहां से भी आपको पता चला कि किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम पर्टिकुलर किस कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा यहां से जो मैं टॉपिक सबसे पहले निकाल रहा हूं दैट इज कास्टिंग जो टॉपिक है उसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है चाहे वो ESC का एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, चाहे स्टेट AE का हो, चाहे स्टेट JE का हो, कास्टिंग से क्वेश्चन आने जरूरी है। तो हमारा ये जो कोर्स है बेटा ये ESC से लेकर इस JE तक के जितने भी बच्चे हैं बेटा वो देख सकते हैं, यहां से नोट्स बना सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, पूछा आराम से पूछिए, कोई समस्या नहीं है बेटा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, और बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ठीक है। जितना ज्यादा हो सकेगा बेटा हम आपको यहाँ पर थ्योरी और न्यूमेरिकल और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कराएंगे, ठीक है, लेकिन याद रखना सबको सेपरेट हमें क्लासेस में करना होगा, ठीक है। तो कास्टिंग के हर टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं हम, तो जितना जल्दी हो सके बेटा इस क्लास को उतना जल्दी शेयर कर दीजिए, डेली आपके सामने कुछ ना कुछ वीडियोज आया करेंगे बेटा, ठीक है, और हम फिर आपसे कंटिन्यू मिलते रहेंगे, ठीक है। इस साल मेरा वादा है बेटा, रमन सर का वादा है आपसे जो हमारे हेड हैं, कि आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन दी जाएगी मैकेनिकल वालों को, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो आपके पेपर्स की जो तैयारी है बेटा इस साल की वो हमारे जिम्मे है, हम आपको करवाएंगे तैयारी, बस आपको हमारे साथ जुड़ जाना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।